नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि घर के सामान से ही टेस्टी रेसिपी बनाई जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही आसान टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसी के पास में बेल आइकॉन होता है, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं जो भी नई रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी उसे आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं किचन में फिर से एक नई रेसिपी बनाने। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मजेदार घरेलू डेजर्ट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैंने कैसे बनाया इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें न ही तेल का इस्तेमाल किया है और न ही घी का, और मीठा बनाने के लिए न गुड़ न शक्कर। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान मजेदार रेसिपी है, आप एक बार इसे जरूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। आज जो हम होममेड डेजर्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें ज्यादा चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक कटोरी गेहूं का आटा मैंने लिया है जिससे कि हम रोटी बनाते हैं, और 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है। अगर आप चाहें तो आटे के बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है मैदे की तुलना में, इसलिए मैं आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सबसे पहले एक हम बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें ये गेहूं का आटा डाल लेंगे, सूजी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। मैंने इस तरह से घोल तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं कि ये अभी कितना गाढ़ा है या पतला है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पतला सा ही है। अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। बेटर को रखे हुए 15 मिनट हो गए, अच्छे से सेट हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम फ्लोइंग है, जैसा कि हम केक के लिए बैटर तैयार करते हैं ये उस तरह का नहीं है, उससे पतला है, जैसे कि हम बूंदी बनाते हैं ये उस तरह का समझ लीजिएगा, उतना ही ये पतला हो गया है। गैस पर मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है, नॉनस्टिक पैन लिया है, तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसके लिए हमें न घी न तेल किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो बैटर है हम इसे चम्मच से लेकर इस पर फैला देंगे, एक चम्मच के करीब मैंने इस पर बैटर डाल दिया, इसे हम फैला देते हैं। जिस तरह से डोसा फैलाते हैं वैसे ही फैला देते हैं। इस तरह से, और अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे, न घी लगाना है न तेल लगाना है। 2-3 मिनट मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चीले की तरह अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसके कॉर्नर्स थोड़े से उठने ही लगे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसे स्क्रैप कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया इसकी सिकाई हुई है, हमने इसमें ना ही तेल लगाया है और ना ही घी का उपयोग किया है, तो हमारा ये बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत मजेदार है बगैर घी तेल से, और हम इसका डेजर्ट तैयार कर रहे हैं लेकिन उसमें शक्कर या गुड़ किसी तरह की कोई चीज को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। एक केले को मैंने छिलका हटाकर इस तरह से पीसेस कट कर लिए, और थोड़े से मेरे पास अनार है उसका मैं इस्तेमाल करूंगी, और इसे मीठा टेस्ट देने के लिए मेरे पास ये चॉकलेटी स्प्रेड है। अगर आपके पास ये चॉकलेटी स्प्रेड नहीं है तो इसके बदले आप ये चॉकलेट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चीले को बाहर निकाल लिया है, अब ये जो मेरे पास चॉकलेटी स्प्रेड है इसे मैं इस पे डाल दूंगी। मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया था ताकि ये थोड़ा सा पिघल गया। अगर आपके पास में गाढ़ा है तो आप उसे मेल्ट कर सकते हैं।
इस तरह से इसे पूरा इस स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे। इसी से इसमें मीठा टेस्ट आएगा और हम शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस तरह से मैंने पूरे चीले पर चॉकलेट फैला दिया है। अब जो हमने बनाना के पीसेस कट किए थे हम उसे इस पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ज्यादा हेल्दी हमारी स्वीट डिश है और होममेड स्वीट डिश है। इसमें कोई भी हमें ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, सारी चीजें घर पर हमें आसानी से मिल जाती है। केला, अनार, और अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप कैडबरी चॉकलेट को मेल्ट करके भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम फ्रूट्स डाल रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनने वाली है। बच्चे भी इसे पसंद करेंगे और बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से मैंने इसमें केले पूरे अच्छे से फैला दिए हैं। अभी अनार के जो दाने हैं इसे भी हम डाल दे रहे हैं। आपके पास और भी कोई फ्रूट्स हो या आप जो चाहें घर में अवेलेबल हो उसे भी आप इस पर डाल सकते हैं। अब इसे हम एक कोनिकल शेप में बना लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से, और इसे पेपर से रिप कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे व्हाइट प्लेन पेपर से कवर कर दिया है और ये नीचे का पोर्शन इसे हम थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा कितना टेस्टी डिलीशियस डिजर्ट बनकर तैयार हो गया है। इसमें और थोड़े से अनार के दाने डाल देते हैं ताकि बच्चों को और ज्यादा पसंद आए। और यह हमारा जो चॉकलेट सिरप है इसे भी हम थोड़ा सा और उस पर फैला देते हैं। लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी भी जरूर पसंद आई होगी। बिल्कुल घर में बनने वाली आसान सी मजेदार हमारी डेजर्ट की रेसिपी है। इसमें हमें न घी, न तेल और ना ही शक्कर या गुड़ की जरूरत लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। एक बार इसे बनाइए, टेस्ट कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।